नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। 3 दिवसीय दौरे पर सिद्धार्थनगर जाएंगी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, सिद्धार्थनगर जाएंगी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। 3 दिवसीय दौरे पर जाएंगी राज्यपाल। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, गौतम बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी जाएंगी राज्यपाल। प्राथमिक विद्यालय का निरीक्षण करेंगी राज्यपाल। कपिल वस्तु सिद्धार्थ विश्वविद्यालय जाएंगी राज्यपाल। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, 5 दिसंबर को विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। सिद्धार्थनगर जाएंगी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, 3 दिवसीय दौरे पर जाएंगी राज्यपाल। गौतम बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी जाएंगी राज्यपाल। प्राथमिक विद्यालय का निरीक्षण करेंगी राज्यपाल। कपिल वस्तु सिद्धार्थ विश्वविद्यालय जाएंगी राज्यपाल। 5 दिसंबर को विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में करेंगी शिरकत। सिद्धार्थनगर जाएंगी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, 3 दिवसीय दौरे पर जाएंगी राज्यपाल। गौतम बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी जाएंगी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। प्राथमिक विद्यालय का निरीक्षण करेंगी राज्यपाल। कपिल वस्तु सिद्धार्थ विश्वविद्यालय जाएंगी राज्यपाल। 5 दिसंबर को विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में करेंगी शिरकत। बड़ी खबर सामने आ रही है, सिद्धार्थनगर दौरे पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। 3 दिवसीय दौरे पर जाएंगी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। गौतम बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी जाएंगी राज्यपाल। भारत में हुई ओमिक्रॉन की एंट्री, इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बेंगलुरु में मिले ओमिक्रॉन के 2 केस, संपर्क में आए 5 लोग पॉजिटिव। शक के घेरे में कई मरीज। बेंगलुरु से बड़ी खबर सामने आ रही है, जो भारत में हुई ओमिक्रॉन की एंट्री। बेंगलुरु में मिले ओमिक्रॉन के 2 केस, संपर्क में आए 5 लोग भी मिले पॉजिटिव। शक के घेरे में कई मरीज। भारत में हुई ओमिक्रॉन की एंट्री, इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। बेंगलुरु में मिले ओमिक्रॉन के 2 केस, संपर्क में आए 5 लोग पॉजिटिव। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, शक के घेरे में कई मरीज। जिस बात का डर था वही हुआ, ओमिक्रॉन की एंट्री भारत में हो चुकी है। बेंगलुरु में 2 नए मरीज मिले हैं और 5 लोग जो संपर्क में आए हैं वो भी संक्रमित हो गए हैं। बेंगलुरु में मिले ओमिक्रॉन के 2 मरीज, संपर्क में आए 5 लोग पॉजिटिव। शक के घेरे में कई मरीज। भारत में हुई ओमिक्रॉन की एंट्री। बेंगलुरु में मिले ओमिक्रॉन के 2 केस, संपर्क में आए 5 लोग पॉजिटिव। शक के घेरे में कई मरीज। भारत में ओमिक्रॉन की एंट्री, इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। जब कोरोना की 2री लहर ने कहर बरपाया था, वही 3री लहर की आशंका जताई जा रही थी, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। 3री लहर यानी कि ओमिक्रॉन कोरोना का जो नया वेरिएंट है वो भारत में मिल चुका है। साउथ अफ्रीका में इसके कई मामले सामने आ रहे हैं। आपको बता दें कि ये कई बार म्यूटेट हो चुका है, यानी कि कई बार रूप बदल चुका है, और अब ये भारत में भी पहुंच चुका है, यानी कि भारत में इसके नए केस मिल चुके हैं। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, विधानसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग का आदेश। अफसरों को चुनाव की तैयारियों में जुटने का निर्देश। पोलिंग स्टेशन का किया जाएगा निरीक्षण। जिला निर्वाचन कंट्रोल रूम का भी होगा निरीक्षण। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, विधानसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग का आदेश। अफसरों को चुनाव की तैयारी में जुटने का निर्देश। पोलिंग स्टेशनों का किया जाएगा निरीक्षण। जिला निर्वाचन कंट्रोल रूम का भी होगा निरीक्षण। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, विधानसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग का आदेश। अफसरों को चुनाव की तैयारियों में जुटने के आदेश। पोलिंग स्टेशनों का किया जाएगा निरीक्षण। जिला निर्वाचन कंट्रोल रूम का भी होगा निरीक्षण। लखनऊ से इस वक्त की एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, कैबिनेट बाई सर्कुलेशन में सरकार ने लिया फैसला।
किसानों के लिए 12,000 करोड़ रुपए की योजना। 2 करोड़ तक बिना गारंटी मिलेगा ऋण। योजना से 47 लाख किसानों का होगा फायदा। बड़ी खबर सामने आ रही है जहां किसानों के लिए योजना फायदेमंद बताई जा रही है। 47 लाख लोगों का फायदा होगा। लखनऊ से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। कैबिनेट बाई सर्कुलेशन में सरकार ने लिया फैसला। किसानों के लिए 12,000 करोड़ रुपए की योजना। 2 करोड़ तक बिना गारंटी मिलेगा ऋण। योजना से 47 लाख किसानों का होगा फायदा। इन्फिनिटी फोरम का उद्घाटन करेंगे पीएम। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगा उद्घाटन। 70 से ज्यादा देश लेंगे हिस्सा। व्यापार और प्रौद्योगिकी को मिलेगा बढ़ावा। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। इन्फिनिटी फोरम का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगा उद्घाटन। 70 से ज्यादा देश लेंगे इस फोरम में हिस्सा। व्यापार और प्रौद्योगिकी को मिलेगा बढ़ावा। इन्फिनिटी फोरम का उद्घाटन करेंगे पीएम। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगा उद्घाटन। 70 से ज्यादा देश लेंगे हिस्सा। वर्चुअली जुड़ेंगे पीएम मोदी। सिद्धार्थनगर जाएंगी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। 3 दिवसीय दौरे पर जाएंगी राज्यपाल। गौतम बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी जाएंगी राज्यपाल। प्राथमिक विद्यालय का निरीक्षण करेंगे राज्यपाल। कपिलवस्तु सिद्धार्थ विश्वविद्यालय जाएंगी राज्यपाल। 5 दिसंबर को विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में करेंगी शिरकत। सिद्धार्थनगर जाएंगी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। 3 दिवसीय दौरे पर जाएंगी राज्यपाल। गौतम बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी जाएंगी राज्यपाल। प्राथमिक विद्यालय का निरीक्षण करेंगी राज्यपाल। कपिलवस्तु सिद्धार्थ विश्वविद्यालय जाएंगी राज्यपाल। 5 दिसंबर को विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में करेंगी शिरकत। सिद्धार्थनगर जाएंगी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। इस वक्त की बड़ी खबर सिद्धार्थनगर से आ रही है जहां 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगी। जनता को कई सौगातें भी दे सकती है। इस खबर में हमारे साथ बातचीत के लिए संवाददाता रवि जुड़ चुके हैं। रवि, क्या कुछ कार्यक्रम है राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के सिद्धार्थनगर में? जी, राज्यपाल महोदया कल सिद्धार्थनगर के समारोह में हिस्सा लेंगे, जो 3 दिवसीय रहेगा। 3 दिनों तक विभिन्न कार्यक्रमों में राज्यपाल महोदया भागीदारी देंगी और ऐसा माना जा रहा है कि ये पड़ोसी जी बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता रवि जुड़े थे सिद्धार्थनगर से। मुफ्त राशन पर योगी सरकार का बड़ा फैसला। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। दिसंबर से 2 गुना राशन देगी योगी सरकार। मार्च तक मुफ्त राशन देगी प्रदेश सरकार। बड़ी खबर सामने आ रही है लखनऊ से। अब 1 यूनिट पर 10 किलो राशन मिलेगा। लापरवाही बरतने वाले कोटेदारों पर होगी कार्रवाई। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। मुफ्त राशन पर योगी सरकार का बड़ा फैसला। दिसंबर से 2 गुना राशन देगी योगी सरकार। मार्च तक मुफ्त राशन देने की योजना। प्रदेश सरकार मार्च तक मुफ्त राशन देगी। अब 1 यूनिट पर 10 किलो राशन देगी सरकार। लापरवाही बरतने वाले कोटेदारों पर होगी कार्रवाई। राशन पर योगी सरकार का बड़ा फैसला। दिसंबर से 2 गुना राशन देगी योगी सरकार। मार्च तक मुफ्त राशन देगी प्रदेश सरकार। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। अब 1 यूनिट पर 10 किलो राशन मिलेगा। इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता गौरव जुड़ चुके हैं। गौरव, जो ये बड़ी योजना ला रही है सरकार मुफ्त राशन देने की, क्या कहेंगे इसमें, कितना लाभ होगा गरीबों को? देखिए, पहले भी देखा गया, जब कोरोना फैला हुआ था तब भी सरकार की इस तरह की योजनाएं आई हुई थी। लगातार सरकार ने राशन, मुफ्त राशन की व्यवस्था की थी। अलग अलग यूनिट पर 3 किलो और गेहूं और 2 किलो चावल की बात की गई थी। उसके बाद ये लगातार इस तरह की योजनाएं आई जो निःशुल्क राशन की व्यवस्था कोरोना जो महामारी उसके द्वारा की गई थी। इसके बाद भी देखा जाए तो लगातार आर्थिक व्यवस्थाओं पे जो परिवार थे, क्योंकि कोरोना में काफी हद तक जो व्यापार थे वो चौपट हो गए, जिसको देखते सरकार द्वारा लगातार प्रयास किया जाता है कि जो आम जनता है, जो गरीब है, उनकी कोई भी गृहस्थी है, उसके साथ कोई भी दिक्कतें ना आ पाए,
उसके पहले भी लगातार इस तरह की व्यवस्था की गई थी, जो बाद में हालांकि जब कोरोना महामारी आई थी उसके बाद जब स्थिति सामान्य हुई थी तो व्यवस्था बंद कर दी गई थी। उसके बाद फिर जो योगी सरकार द्वारा ये बड़ा फैसला लिया गया है कि दिसंबर से आपका जो डबल यूनिट जो है वो वहां पर दिया जाएगा, जो 5 किलो की जगह 10 किलो लगभग राशन एक यूनिट कार्ड पर दिया जाएगा। इसके अलावा एक नई योजना उन्होंने और भी कही है और जो कि शुरू हो गई है, जिसके तहत 1 दिसंबर से जो भी कार्ड धारक होंगे, चाहे वस्तुदय कार्ड धारक हो चाहे गृहस्थी कार्ड धारक हो, उनके लिए उन्होंने 1 किलो चने की दाल, 1 रिफाइंड तेल और 1 पैकेट नमक ये भी प्रति कार्ड पर दिया जाएगा। जी, कोटेदारों पर क्या कार्रवाई होगी अगर वो अपनी मनमानी करते हैं या फिर घटतौली करते हैं तो? देखिए, अब उन्हें देखा जाता है कि जो सरकार आदेश करती है उन सरकार आदेश के तहत जो कोटेदार होते हैं वो जो अगर लेने नहीं आते, कि कई कार्ड धारक ऐसे हैं जो कि मध्यम परिवार से समृद्ध परिवारों से हैं, तो जिनका यह था तो उनका जो राशन होता है उसको उसकी घटना उसको बचा लेते हैं, उसको बेच देते हैं इस तरह की पहले की। इसके अलावा जो गरीब है उनको भी ये कह दिया जाता है कि ये नहीं आया है ये ले लीजिए, या चीनी नहीं आई है या चना की दाल नहीं आई है आपके पास, नमक और तेल से काम चला, इस तरह की जो व्यवस्था होती है। और फिर कार्ड धारक बार बार कोटेदार के चक्कर नहीं लगाता है, वो चला आता है एक बार राशन लेने के लिए, तो इसको देखते उनको साफ तौर पर उन्होंने आदेश दिया है कि जो भी कोटेदार बैठे होंगे जो राशन वितरण करेंगे सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत, वो कुल रूप से जो भी व्यवस्था सरकार द्वारा की गई, चाहे वो डबल यूनिट की बात हो, चाहे वो चने की दाल की बात हो, चाहे रिफाइंड की बात हो, चाहे पैकेट नमक की बात हो, सबको पूरी तरह से वितरण किया जाए, कहीं भी कोई लापरवाही नहीं बर्दाश्त की जाएगी, ऐसा आदेश उन्होंने दिया है। और अगर कोटेदार ऐसा करता पाया जाएगा तो निश्चित रूप से निशानात्मक कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता गौरव जुड़े थे। गोरखपुर जाएंगे सीएम योगी। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, 3 जिलों के FM रिले केंद्र का लोकार्पण करेंगे। लखीमपुर, इटावा, बहराइच के रिले केंद्रों का करेंगे लोकार्पण। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी रहेंगे मौजूद। गोरखपुर दूरदर्शन केंद्र में होगा कार्यक्रम। गोरखपुर जाएंगे सीएम योगी। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, 3 जिलों के FM रिले केंद्र का लोकार्पण करेंगे। लखीमपुर, इटावा, बहराइच के रिले केंद्र का करेंगे लोकार्पण। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी रहेंगे मौजूद। गोरखपुर दूरदर्शन केंद्र में होगा कार्यक्रम। गोरखपुर जाएंगे सीएम योगी। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, 3 जिलों के FM रिले केंद्र का लोकार्पण करेंगे सीएम योगी। लखीमपुर, इटावा, बहराइच के रिले केंद्रों का करेंगे लोकार्पण। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी रहेंगे मौजूद। गोरखपुर दूरदर्शन केंद्र में होगा कार्यक्रम। गोरखपुर जाएंगे सीएम योगी। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, 3 जिलों के FM रिले केंद्र का लोकार्पण करेंगे सीएम योगी। लखीमपुर, इटावा, बहराइच के रिले केंद्रों का करेंगे लोकार्पण। चोरों के अजीबोगरीब करतूत का खुलासा लखनऊ से बड़ी खबर। लड़ाकू विमान का एक पहिया चोरी, चोरों ने किया गायब। शहीद पथ पर सड़क जाम के बीच पहिया हुआ गायब। जोधपुर एयरबेस भेजा गया था फाइटर जेट, सीसीटीवी खंगालने में जुटी कमिश्नरेट पुलिस। आशियाना थाने में दर्ज हुआ मुकदमा। चोरों के अजीबोगरीब करतूत का खुलासा आया सामने। लड़ाकू विमान का एक पहिया चोरों ने किया गायब। शहीद पथ पर सड़क जाम के बीच पहिया हुआ गायब। जोधपुर एयरबेस भेजा गया था फाइटर जेट, सीसीटीवी खंगालने में जुटी कमिश्नरेट पुलिस। खुलेआम चल रहा वैध खनन का मामला, रातों में फर्राटा भरती है खनन की गाड़ियां। प्रशासन की मिली भगत से चलता है खेल। शाहजहांपुर से ये खबर सामने आ रही है, जैतेपुर थाना क्षेत्र गांव बलिहुरा का मामला। खुलेआम चल रहा वैध खनन का खेल। शाहजहांपुर से ये खबर सामने आ रही है, रातों में फर्राटा भरती है खनन की गाड़ियां। प्रशासन की मिली भगत से चलता है खेल। लखनऊ में दिव्यांग जनों का होगा सम्मान। विश्व दिव्यांग दिवस सीएम करेंगे सम्मानित। विद्यालयों में मेधावियों का भी होगा सम्मान। दिव्यांग जनों को सहायक उपकरण वितरित किए जाएंगे। कार्यक्रम में मंत्री अनिल राजभर भी रहेंगे मौजूद। लखनऊ में दिव्यांग जनों का होगा सम्मान। विश्व दिव्यांग दिवस पर सीएम करेंगे सम्मानित।
विद्यालयों के मेधावियों का भी होगा सम्मान। दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण भी वितरित किए जाएंगे। कार्यक्रम में मंत्री अनिल राजभर भी रहेंगे मौजूद। लखनऊ में दिव्यांगजनों का होगा सम्मान। इस वक्त बड़ी खबर, विश्व दिव्यांग दिवस पर सीएम योगी करेंगे सम्मान। लखनऊ में कोरोना को लेकर सरकार अलर्ट। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, यूपी में ओमिक्रॉन को लेकर गाइडलाइंस जारी। एयरपोर्ट वाले जिलों में बनेगा कोविड अस्पताल। विदेश से आए यात्रियों को किया जाएगा आइसोलेट। कोरोना संक्रमण फैलने पर जिले के अफसर होंगे जिम्मेदार। लखनऊ में कोरोना को लेकर सरकार अलर्ट। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, यूपी में ओमिक्रॉन को लेकर गाइडलाइंस जारी। एयरपोर्ट वाले जिलों में बनेगा कोविड अस्पताल। विदेश से आए यात्रियों को किया जाएगा आइसोलेट। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, औद्योगिक शांति अधिनियम 1978 संशोधन में मंजूरी। कैबिनेट बाई सर्कुलेशन में मिली मंजूरी। अब मजदूरी नहीं देने वाले नियोक्ता को नहीं होगी जेल। किसी भी मामले पर बढ़ाया जाएगा जुर्माना। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, औद्योगिक शांति अधिनियम 1978 संशोधन को मंजूरी। कैबिनेट बाई सर्कुलेशन में मिली मंजूरी। अब मजदूरी नहीं देने वाले नियोक्ताओं को नहीं होगी जेल। किसी भी मामले पर बढ़ाया जाएगा जुर्माना। यूपी की शादियों में घुली राजनीति। शादियों में बज रहे योगी सरकार के गाने। आएंगे तो योगी ही। गाने पर झूमते दिखे सभी बाराती। यूपी की शादियों में घुली राजनीति। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, शादियों में बज रहे योगी सरकार के गाने। गानों पर झूमते दिख रहे बाराती। आएंगे तो योगी ही। गाने पर झूमते दिखे बाराती। तस्वीरें देख सकते हैं आप। बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां राजनीति अब बारातों में भी देखने को मिली। यूपी की शादियों में खुली राजनीति। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।